जिला कांगड़ा तहसील नूरपुर क्षेत्र में कस्बा जसूर के बाटू पुल के पास एक गाय कुछ दिनों से बीमार थी। गौ रक्षकों की नज़र जब उस बीमार गाय पर पड़ी तो गौ रक्षकों ने बारिश की परवाह ना करते हुए उसको सड़क से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और उस गाय का तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया। गौ रक्षक प्रमुख अपर्ण चावला ने बताया कि दिन प्रतिदिन आवारा गौ माता की संख्या बढ़ती जा रही है। एक गाय काफी दिन से सड़क के किनारे बीमार पड़ी थी। गौ रक्षकों द्वारा गौ माता को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और गौ माता का इलाज करना शुरू कर दिया गया। अपर्ण चावला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेजुबान बेसहारा पशुओं को बेसहारा ना छोड़ें। हाँ जी अर्पण जी, दिन पर दिन सड़कों पर बेसहारा घूमती हुई गौ माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक गहन चिंता का कारण है। आए दिन ये गौ माताएं चोटिल अवस्था में हमारे निस्वार्थ गौ सेवकों को मिलती है। निस्वार्थ गौ सेवकों द्वारा इनका आए दिन इलाज किया जाता है। आज भी हमें राजा के बाग बाटू पुल के पास एक चोटिल अवस्था में गौ माता होने की सूचना प्राप्त हुई। निस्वार्थ गौ सेवकों द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा आज इस गौ माता का इलाज किया गया और एक सुरक्षित स्थान पर इन्हें पहुंचाया गया। आज बारिश का मौसम होने के कारण फिर भी हमारे कुछ निस्वार्थ गौ सेवक और स्थानीय लोगों ने बारिश में भी इस गौ माता के इलाज के लिए हमारा साथ दिया, हमारा सहयोग किया। मैं इन निस्वार्थ गौ सेवकों और स्थानीय लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरी प्रशासन से आग्रह है कि इन गौ माता सड़कों पर घूम रही हुई इन गौ माताओं की संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान के लिए एक उचित व्यवस्था की जाए। जय गौ माता। एनस्टार न्यूज के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।